दरभंगा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का बुलेट पर तूफानी दौरा लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ दरभंगा में शुरू हुए दौरे में पप्पू यादव के सबसे मजबूत पिलर कहे जाने वाले दरभंगा के जिला अध्यक्ष और युवा नेता डॉक्टर मुन्ना खान साथ रहे। पूरे प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने बिहार के मुखिया को निशाने पर लेते हुए उनकी कमियों को उजागर करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन अच्छे मुख्यमंत्री नहीं। इसके बाद पप्पू यादव अपना काफिला लेकर डीएमसीएच पहुंचे, जहां एक 2.5 वर्षीय मासूम दुष्कर्म पीड़िता का हाल जाना और पीड़िता के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 की नगद राशि दी। इसके बाद पुनः बुलेट पर सवार होकर अपने दलबल के साथ पप्पू यादव शहर के पश्चिमी किनारे पर स्थित और बाढ़ में डूबे बाजितपुर, शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और गरीबों के बीच पैसा बांटे। पप्पू यादव इस दौरान पूरे चुनावी मूड में दिख रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी सरकार बनने पर क्या क्या करेंगे इसका पूरा खाका जनता के सामने रखा। और हम बिहार बचाना चाहते हैं, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने और सीटों से बहुत ज्यादा एक मजबूत और नए विकल्प को लेकर है जो सितंबर में आपको दिखे। इन नेताओं को जाके रहना चाहिए, हवा हवाई दौरा बंद करिए और जमीन से विपक्ष तो पिकनिक लोग हैं, उनको लगता है कि अभी भी कोई इनको कटोरा में दूध खिला दे। कब तक दूध पिला पिला करके आप पिकनिक हर चीजों में राजनीति, ट्वीट हम इसको गाली देंगे तुम इसको गाली दो। और सत्ता पक्ष तो अजीब कर दिया, कालिदास और सूरदास में कोरोना वायरस और बाढ़ जैसे मुद्दे को गौन कर दिया इन लोगों ने। जो खर्चा हो हम वो जो खर्चा हो हम करेंगे। स्पेशल केयर रखिए वहाँ और रखिए सर। हमारा गांव बड़ा के सर कम से कम बच्चा के साथ अन्याय कर रहा हूँ। रोक तू ते बहुत संजय जी डॉक्टर मुन्ना खान बोले पप्पू यादव जो भी एक बार देख ले रहे आता जी किसके पास आए हैं पप्पू यादव जी, तो एक एक करके बोले पहले आप ही बोलिए माता।